हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना है। एक्चुअली अभी मैं 33 के भी स्विच एट पे है, सॉरी मैंने हेलमेट नहीं पहना है अभी, तो पहनना चाहिए। जो भी हो, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है। आपको पता है ब्रेकर का दोनों साइड में ये बस ट्रांसफर ब्रेकर है, अभी मैं इधर खड़े है तो प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे क्या होता है। तो बस ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ एक्स्ट्रा ब्रेकर, उसका दोनों साइड में एक दोनों आइसोलेटर होना चाहिए, एक मेन बस साइड एक ट्रांसफर बस साइड आइसोलेटर है। मगर जनरली ये बस ट्रांसफर, ये जो ब्रेकर है अभी ये ऑफ कंडीशन में है, मैं आपको दिखाएंगे, तो उसका दोनों साइड में जो आइसोलेटर है जनरली ओपन रहना चाहिए। मगर किसी के कारण ये दोनों आइसोलेटर क्लोज रहना चाहिए, कुछ सर्टेन कारण इसको ऑन भी करना चाहिए। तो मैंने यही नहीं बोल रहा हूँ इसके कुछ भी फेडर इसमें ऊपर आएंगे इसके कारण ये ऑन होगा, ऐसा नहीं। तो किस कारण के लिए मैं ये बोल रहा हूँ आपको, वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। ये मैंने 33 के बस ट्रांसफर के पास खड़े हैं अभी। तो जनरली मैंने बोला ब्रेकर का दोनों साइड में, थ्योरी में पढ़ा था दोनों साइड में आइसोलेटर होना चाहिए। मेन बस साइड आइसोलेटर 29A, ये मेन बस साइड आइसोलेटर, तीनों क्लोज पोजीशन में है। और उसके बाद इसका कोई लाइन साइड नहीं होता है, ओनली ट्रांसफर बस साइड आइसोलेटर होता है। इधर देखिए 29T मतलब ट्रांसफर बस। इधर ये जो है तीनों जो आइसोलेटर है, ट्रांसफर बस साइड आइसोलेटर, ये क्लोज पोजीशन में है। बाकी उधर आप देखिए ओपन कंडीशन में है। आपको और भी सारे दिखाते हैं, जितने सारे ये ट्रांसफर बस साइड आइसोलेटर देखिए, ये भी ओपन है, जितने दूर जाओगे सभी ओपन। ये जो ब्रेकर ऑन रहता है और ये जो आइसोलेटर दोनों कनेक्टेड रहता है, ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न जो होता है, सबस्टेशन में बहुत डकैती होता है। डकैती के कारण होता है क्या, ये जो ट्रांसफर बस साइड जो आइसोलेटर है ना, चोरी हो जाते हैं। तो बहुत सारे ये सोच लीजिए, ये कॉस्टली आइटम है, ठीक है, ये चोरी हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा किसी के कारण। तो ऐसे भी होता है, सबस्टेशन का जो कंट्रोल रूम का जो आदमी है वो क्या होता है, उसमें भुगतना पड़ता है, थाने में चलना चाहिए उस समय, बहुत कुछ प्रॉब्लम होना है, होता है इस समय। आप सोच लीजिए आप काम पे आए हैं, उस समय क्या हो गया, चोरी हो गया, उसके पहले रात में चोरी हो गया और उसके बाद आपको थाना में जाना पड़ा, तो आपका अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके कारण ये आइसोलेटर टोटली इसमें कनेक्टेड रहता है और ब्रेकर भी ऑन रहना चाहिए रात में। इसके लिए स्पेशली सर्कुलर जारी होता है, रात में इसी टाइम इसको ऑन रहना चाहिए, इसीलिए ऑन रहना चाहिए। तो उस समय कोई भी चोरी हो, डकैती और थेफ्ट केस होगा तो ये नहीं हो पाएगा कोई भी कारण। ये जो है आप देखिए, आपको मैं दिखाते हैं, ये तो मैंने ट्रांसफर बस दिखा दिया, आइसोलेटर दिखा दिया, और ये जो है ये ट्रांसफर बस, ये जो है ये ट्रांसफर बस आइसोलेटर, इसी के साथ ड्रॉपर के द्वारा ये टोटली तीनों जो आइसोलेटर कनेक्टेड है। तो कोई भी कारण, कोई भी ये जो आइसोलेटर में ये हाथ दोगे तो क्या होगा, ये टोटली कनेक्टेड है एक साथ, उसको शॉक लग जाएगा। तो इसीलिए रात में ये ऑन होना चाहिए, इसके द्वारा आप ये बच सकते हैं। मगर इसके साथ साथ भी जो लोग थेफ्ट केस में कनेक्टेड है वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे इसको डकैती करना है। तो ये कनेक्टेड रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऊपर भी ये काम कर देता है, चोरी कर देता है। तो बहुत भी सब स्टेशन में ये चोरी हुआ है, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाना पड़ा ऑपरेटिंग पर्सनल के, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो जो भी हो, जो भी लोग ये वीडियो देख रहा है ना, इसको अच्छे से समझाइए। आपको अच्छे से ये स्विच एट विजिट करना है, मेनली जो TBI साइड आइसोलेटर है आपको चेक करना ज़रूरी है। मैं आज ही आए थे इसीलिए ये TBI आइसोलेटर चेक करने के लिए, मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो आपको दिखा दे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपको दिखाया। तो आपको कॉशसली देखना चाहिए स्विच एट, रेगुलरली विजिट करना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत उसको
उसका जो इंचार्ज है उसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, तो भी सबस्टेशन अच्छे से काम हो पाएगा। तो जो भी हो, अभी तो ये वायर ट्रांसफर ब्रेकर ऑफ है, मगर दोनों आइसोलेटर कनेक्टेड हैं। तो रात में हम लोग इसको क्या करते हैं, रात में ये सर्कुलर है, 8 PM जब होगा उस समय ब्रेकर ऑन रहना चाहिए, और सुबह में मॉर्निंग में ये 8 बजे में इसको ऑफ कर देना चाहिए। ऐसे सर्कुलर में है, हम लोग भी ऐसा मेंटेन करते हैं। सभी जगह में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी जगह में ये ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी तो आपको दे पाया, तो आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। मैं अभी विदाई लेना चाहता हूँ, मैं फिर से लेकर आएंगे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।